हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे, और जो मैंने लास्ट टाइम पेंडिंग रखा था, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज कि अगर मैं कहूँ कि ये आपकी एक रे है, उसमें इंटरसेक्शन क्या होता है, सबसेट क्या होता है, उसका यूनियन क्या होता है, तो आज के लेक्चर में हम वही करने वाले। ओके, तो प्लीज लास्ट तक है ना वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा, तो आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच रेफर टू फिगर 1.13। ओके, 1.13 के फिगर में जो भी आपको क्वेश्चन दिया वो आपको सॉल्व करने। राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे आर पी। अब देखो रे आर पी, अब बोलोगे कि सर आरपी कोई रे नहीं है, वो एक सेगमेंट है। बेटा हमें क्वेश्चन में क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है कि आरपी को है ना एक हमें रे अज्यूम करना है। आरपी आपकी रे है, उसके ऑपोजिट अगर मैं कहूं कि आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? सो ईस्ट। आपका ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? ईस्ट। तो आरपी के ऑपोजिट में रे कौन सी आ रही है? एक आर एस आएगी और एक आ जाएगी आरटी। तो यहाँ पे लिखना है रे आर एस एंड रे आर टी। ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, तो आ जाओ सीधा जंप करके क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, पहले मैं आपको है ना ऑपोजिट वाले क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ओके चलो, राइट द पेयर ऑफ द ऑपोजिट रे विथ कॉमन एंड आर। कॉमन एंड आर, एंड आर मतलब क्या होता है? देखो अगर मैंने एक रे बनाई तो ये उसका क्या है? एंड है, या तो स्टार्टिंग पॉइंट कहो, कोई इसे एंड पॉइंट कहते हैं, जो कहना हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। ओके, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है और आपका एंडिंग पॉइंट भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? राइट द पेयर ऑफ द अपोजिट रे विद द कॉमन एंड पॉइंट आर। ओके चलो, अभी एक काम करो, ये जो आपकी रे है, मैंने यहां से ये सारी चीजें हटा देता हूँ, एक मिनट। चलो अब यहां से क्या करना है, कॉमन एंड पॉइंट आपका क्या होना चाहिए? आर। तो मैंने अगर आरपी पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो उसका कॉमन एंड पॉइंट ये होना चाहिए। तो मैं इसको आरएस भी बना सकता हूं, आरटी भी बना सकता हूं। क्यों? बिकॉज उसका कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा? एंड पॉइंट इज आर। ओके चलो, सो आरपी भी हम ले सकते हैं और आरएस भी ले सकते हैं। ओके, तो मैंने यहां पर लिख लिया, इसका आंसर आ जाएगा रे आरपी एंड आर एस। ओके, कॉमन एंड पॉइंट एक आ गया आर। आगे दिया राइट द एनी टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट एस। जैसे सिमिलर क्वेश्चन, एस को कॉमन पॉइंट लेके मैं एस आर बना सकता हूँ, एस पी बना सकता हूँ, एस क्यू एस टी, जो भी बनाना बनाओ आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो ये अपोजिट डायरेक्शन वाला लफड़ा आपको क्लियर रहेगा। अब देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, 5th करवा दिया और 6th करवा दिया। ओके, नाउ इज द इंटरसेक्शन पार्ट, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स सिंपल। अगर मैं कहूँ कि आपने सेट्स के मेरे लेक्चर अच्छे से देखे, तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ आपका है ए, यहाँ पे है बी। ओके, और यहाँ पे एक रे नीचे दिया है ए एंड सी। ओके, तो अगर मैं ये रे उठा के यहाँ पे कॉपी कर दू, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि ए सी को ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, वो इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, तो सेम वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है। देखो सबसे पहले क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इंटरसेक्शन ऑफ द रे पी क्यू एंड आर पी। पी क्यू यहाँ पे है, ओके, और आर पी यहाँ पे। आर पी यहाँ पे मतलब उसको ना एक्सटेंड करते करते आर एंड पी है ना आगे 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 चलता जाएगा, बिकॉज ये उसका एरो होता है, उसका एंड पॉइंट नहीं होता, ये इनफाइनाइट लेवल तक हम खींच सकते हैं। तो आपकी जो R वाली लाइन है ना वो कुछ इस तरीके से आगे आगे बढ़ती जाएगी, और PQ वाली लाइन है ना वो कुछ इस तरीके से आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हुआ आपका P एंड Q का। तो यहाँ पे लिखना आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज सेगमेंट P एंड Q। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? सेगमेंट P एंड Q। ओके, देन आफ्टर इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है लास्ट वाला, चलो देखते हैं। राइट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट SP एंड ST। ओके, पहले ये हटा देता हूँ, एसपी और एसटी का आपको क्या ढूंढना है? इंटरसेक्शन ढूंढना है। चलो एसपी और एसटी, चलो एसपी यहाँ पे है, ओके, एंड एसटी आपका यहाँ पे है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, दोनों में कुछ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा,
पर मैं कहता हूँ दोनों में कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है, वो है आपका पॉइंट एस। दोनों में कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है, वो है आपका पॉइंट एस। ऐसा थोड़ी जरूरी है कि लाइन ही आना चाहिए या तो रे ही आना चाहिए, सेगमेंट आना चाहिए, नहीं, हम पॉइंट को भी ले सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पॉइंट एस। ओके चलो, तो अब आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नाउ वी आर गोइंग टू द यूनियन सेट्स। ओके, यूनियन पे आ जाते हैं। इट्स सिंपल, यूनियन का मैंने आपको आज के ही लेक्चर में बताया था कि यूनियन क्या होता है। ओके चलो, तो यूनियन इज अ टू मच सिंपल। पी क्यू एंड क्यू आर, रे पी क्यू यहाँ पे है। ओके, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। रे पी क्यू यहाँ पे है एंड रे क्यू आर यहाँ पे है। आप ये मिस्टेक मत करना, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? सारा इकट्ठा। मैंने कहा था मेरे एग्जाम्पल में कि आपको स्वीट्स आइटम खाना जितना चाहिए उतना मिलेगा, बट स्वीट आइटम में लिमिट होती है। ओके, तो यहाँ पे सीधा इसका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा रे आर क्यू। ओके, और आप लिख सकते हो सेगमेंट आर क्यू। तो इंटरसेक्शन वाला, यूनियन वाला पार्ट क्या आ जाएगा? सेगमेंट आर एंड क्यू। ओके, एंड क्या दिया आगे? स्टेट द रे ऑफ व्हिच सेगमेंट क्यू आर इज द सबसेट। क्यू आर का सबसेट लिखना है, क्यू आर के सबसेट लिखने हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। सबसेट का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है मेरे लेक्चर में, मैं आज लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो लेक्चर देख लेना सबसेट अगर नहीं पता तो। देखो, क्यू आर मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, रे क्यू आर बनाना है। अब ये एक्सटेंड एक्सटेंड होती जाएगी, अब इसके सबसेट लिखने हैं। सो कैन आई रिटन एज क्यू पी, क्यू आर, क्यू एस, क्यू टी, आफ्टर पी आर, पी एस, पी टी, आर एस, आर टी एंड एस टी, इतने सारे लिख सकते हो। उसमें से कोई भी दो लिख दो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। आपको एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं। सबसेट मतलब ये इसके अंदर समाया हुआ है। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया। एंड गाइस, मैंने आपके लिए कुछ नया सोच के रखा है, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड, हाउ टू इंक्रीज योर कैलकुलेट स्पीड। कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज करनी है तो मेरे पास, अब आपके पास अलग वीडियो है। आपको मेरे इंस्टा के पेज को फॉलो करना है, आपके मेरे इंस्टा के पेज को फॉलो करना है, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। एंड मैं इंस्टा पे भी एंड यूट्यूब पे दोनों जगह पे अपलोड करने वाला हूँ। ओके, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सॉरी मैं बेल आइकन बोलने वाला था। ओके चलो, थैंक यू सो मच गाइज।